नमस्कार वेलकम एंड वॉन्ग रीटिंग्स टू एवरी वन वॉचिंग दिस एपिसोड आज हम लोग बात करेंगे टी वी के विषय में और टी वी के ऊपर बात करने के लिए हमारे बीच में एक बहुत ही बड़े विशेषज्ञ में मौजूद हैं डॉक्टर सूर्यकांत जिन्हें सैकड़ों पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है जो कि प्रोफेसर और हेड हैं डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी मेडिसिन के जी एम यू में साथ ही साथ जो कि चेयरमैन है नेशनल टी बी एलिमिनेशन प्रोग्राम के नॉर्थ सोन टास्क फोर्स के सो स्वागत है सर

और हम भारतीयों को गर्व होना चाहिए कि टीबी का के बारे में बीमारी के बारे में जो पहला डिस्क्रिप्शन मिलता है जिसका डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है वो भारत के नहीं दुनिया का पहला ग्रंथ है, है। oh तो टीबी जैसी बीमारी का एक्चुअली ऋग्वेद का ही एक बाई प्रोडक्ट है उसमें मिलता है क्षय रोग क्षय का मतलब होता है डिके लैटिन में भी जो लैटिन एक्चुअली मॉडर्न मेडिसिन की सबसे प्राचीन परंपरा जो है वो लैटिन से आती है जी। तो लैटिन लैंग्वेज में भी इसको कहा गया है थाइसिस और थाइसिस का भी मतलब होता है डिके क्षय रोग का भी मतलब होता है डिके मतलब पूरी दुनिया की अगर हम डिस्क्रिप्शन में जाएं टीबी के बारे में तो सबसे पुराना विवरण भारत की चिकित्सा पद्धति में मिलता है भारत की जो हमारी विरासत है उसमें मिलता है तो हमको गर्व होना चाहिए दूसरा क्षय रोग के आधार पर ही हमारी भारत सरकार ने इसी शब्द को उठाते हुए टीवी के विरोध टीवी को रोकथाम के लिए जितनी भी चीजें की जा रही हैं सबका नाम उसने निक्षय से दिया है ओके okay. तो बहुत कम लोग इसको जानते हैं तो नी का मतलब नहीं है और क्षय का मतलब टीबी है फॉर एग्जाम्पल right. जैसे आपने सुना होगा कोविड के लिए कोविन पोर्टल बनाया गया हंस जी वो एक ऑनलाइन पोर्टल था हर इंफॉर्मेशन कोविड की उसमें जाती थी चाहे वो कोविड का टीका हो कोविड का डेटा हो जी इसी तरह जो निक्ष्य पोर्टल है वो टीबी की हर पेशेंट की इंफॉर्मेशन इस पोर्टल पर जाती है okay. तो इसलिए जो टीबी का पोर्टल बनाया गया उसका नाम है निक्ष्य पोर्टल ऑलराइट right. अब आप आइए आपने प्रश्न किया निक्ष्य दिवस के बारे में तो हमारे देश में नेजो टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम चल रहा है

इस प्रोग्राम को सबसे ज्यादा जो मोमेंटम मिला है वो मिला है तेरह मार्च दो से जब भारत के प्रधानमंत्री सौभाग्य है कि डॉक्टर सूर्यकांत भी उस बैठक में मौजूद थे दो उन्होंने कहा कि भारत सबसे ज्यादा टीवी के भारत में निकलते हैं लेकिन दुनिया का तीस प्रतिशत जो टीवी का शेयर है वो उस समय भारत का हुआ करता था Oh लेकिन मतलब हर तीसरा मरीज जो है वो भारत में टीवी का हुआ करता तीसरा चौथा तो भारत के प्रधानमंत्री ने कहा कि नहीं हम 2025 तक भारत को टीवी मुक्त करेंगे और ये हमारे जो इंटरनेशनल टारगेट हैं वो 2030 के हैं या 35 के हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल कहता है कि हम 2030 तक एनटीबी करेंगे लेकिन भारत के प्रधानमंत्री उन्होंने फाइव इयर्स एड का टारगेट हमारे सामने रखा और बहुत सारी ऐसी योजनाएं शुरू की जिसमें से बहुत सारी योजनाओं का नाम नीचे से ही शुरू होता है अब हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पीछे रहने वाले थे, थे।, 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 थे। तो उन्होंने दिसंबर दो हजार बाईस को एक प्रोग्राम शुरू किया हर महीने की पंद्रह तारीख जो होगी स्पेशली कमिटेड ओडी

और इसीलिए इसका नाम हो गया है इंटीग्रेटेड दिवस या एकीकृत दिवस अब वंदना जी बताइए तेरह मार्च दो हजार अठारह से शुरू हुए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उसी का एक तरह से फॉलोअप चीजें है जी जी. उन्नीस मार्च दो हजार अठारह को एक चीज और हुई

लेकिन 19 मार्च 2018 के नोटिफिकेशन, ये नोटिफिकेशन कर दिया गया। right. और तीन तरह के नोटिफिकेशन के बाद mm -hmm. जो प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर दे रहा है उसको नोटिफाई करना पड़ेगा और ऐसा नहीं केवल टीवी विशेषज्ञ अगर गायनोकोलॉजिस्ट भी टीवी की बीमारी को डायग्नोस कर रहा है तो उसको भी सर्जन को भी सर्जन को भी पीडियटिशन अगला जो डिस्पेंस कर रहा है उसको नोटिफिकेशन भी कर रहा है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण था नोटिफिकेशन के बारे में अब एक दूसरा जो डेवलपमेंट हुआ वो ये हुआ कि उत्तर प्रदेश की गवर्नर श्रीमती आनंदी बेन पटेल ने कहा लोगों से अपील की कि टीबी के रोगी को गोद लें। तो ये उनका इंडिविजुअल एक इनिशिएटिव था लोगों ने गोद लेना शुरू किया इसको बोलते हैं टीबी एडोप्शन प्रोग्राम भारत सरकार को ये प्रोग्राम पसंद आ गया और उन्होंने इसको प्रोग्राम में ले लिया और इसको नाम दिया निक्षय मित्रा तो एक एक नई चीज देख ली निक्षय होता है कि टीबी चूंकि एक सोशल स्टेगमा वाली डिजीज है तो पब्लिक से क्या अपील की गई है कि आप एक टीबी के मरीज को गोद लेते हैं तो उसको महीने में एक बार मिलिए उसको कुछ न्यूट्रिशल पोषण दीजिए उसके इमोशनल सपोर्ट करिए सोशल सपोर्ट करिए कुछ उसका और कोई टीबी के इलाज में दिक्कत आ रही है वो पूछिए और

जिसको कुपोषण है उसको टीबी ज्यादा है जिसको टीबी हो गई उसको कुपोषण हो गया तो भारत सरकार ने कहा कि भाई पांच सौ रुपए महीने के मरीज में डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी उसके अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे जिस पांच सौ रुपए महीने से वो अपना है, फल है या प्रोटीन है उसकी चीजें ले सके तो न्यूट्रिशन सपोर्ट उसे मिले तो इन स्कीम्स का क्या हुआ कि हमारे देश में जो टीबी के मरीज थे जो अनोटिफाइबल थे तो सब डॉक्टरों को संदेश गया कि सबको नोटिफाई करना तो अगर नोटिफिकेशन धीरे धीरे बढ़ गया तो हम WHO को रिपोर्ट करने लगे डब्ल्यू एच ओ कहता था हर तो साल तीस लाख मरीज होते हैं जी। और आप रिपोर्ट कर पाते हैं उन्नीस लाख तो ये लाख कहाँ चले जाते हैं दस ग्यारह लाख तो ओ हमारी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कहा जाता इंडिया मतलब वन मिलियन मिसिंग केसेस ऑफ टीबी ये लाइन हमें सालों साल सुननी पड़ी अंतरराष्ट्रीय सम्मेलनों में डॉक्टर सूर्यकांत यू आर फ्रॉम इंडिया आप क्या तो दस लाख टीबी के मरीजों को पता ही नहीं है लापता है अतापता लापता है तो हम लोग सुनते थे अब आप देखिए उस 2018 में प्राइम मिनिस्टर के इनिशिएटिव से क्या फर्क पड़ा कि वो जो 19 लाख का आंकड़ा था वो पहुंच गया 25-26 लाख तक अब बाद में केवल दो ढाई लाख रह गए जो मिसिंग थी और इस साल तो आप भूल ही जाइए कि एक भी कोई टीवी कमरी बचेगा भूला बिश्रत जो हमारे नोटिफिकेशन में ना तो ये जो निक्षय मित्र स्कीम आई ये जो निक्षय पोषण योजना आई ये जो निक्षय पोर्टल पर नोटिफिकेशन हुआ इससे एकदम रिवोल्यूशन हो गया है। और फिर हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने, है। है। दर, ने तो जितने प्रोग्राम चला रहे चलाए जा रहे हैं नाम से चलाए जा रहे टीबी ना हो अब ये निक्शय दिवस शुरू हुआ तो इसके भी आशातीत परिणाम आए बहुत अच्छे एक्स्ट्रा जो डायग्नोसिस होने लगी टीबी फिर ये हुआ कि भाई केवल फोकस टीबी को कुछ बीमारियां इसमें और जोड़ दी जाए तो फिर इसको नाम दिया गया एकीकृत एक दिवस और ये हर पंद्रह अक्टूबर से शुरू हुआ दो से और हर महीने की यानी दो महीने पहले शुरू हुआ हर महीने की पंद्रह तारीख को ये मनाया जाता है पूरे प्रदेश में और पूरी स्पेशल ड्राइव की जाती है इन पांच छह बीमारियों को ढूंढे में यानी टीबी लेप्रोसी मलेरिया फाइलेरिया कालाजार चिकन और अभी तक का जो रिजल्ट आया है वो बहुत ही एनकरेजिंग रिजल्ट है। दो दशमलव आठ लाख लोगों को इसकी सुविधा मिली है अब तक हजार लोगों के सैंपल करेक्ट किए गए टीवी की जांच के लिए या जांचों के लिए और टीवी के मरीज कंफर्म लिएग्नोज हुए हैं इस एकीकृत एक एक निचय आप समझ सकते हैं कितना इंपैक्ट बंदरा जी हुआ है। आप 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 तो चूंकि मीडिया से हैं तो आप समझ सकते हैं कि इसका इंपैक्ट कितना अच्छा हुआ है तो और ये जो निश्चय एकीकृत एक निश्चय योजना चल रही है हमें ऐसा लगता है कि इन छह बीमारियों पे बहुत ही स्पेशल ड्राइव है और इन छह बीमारियों की डायग्नोसिस ट्रीटमेंट और आगे चल के इसका इंसिडेंस कम हो इसके लिए एक बहुत अच्छी योजना साबित होने सर टीबी को लेकर एक बड़ा सामाजिक भेदभाव रहता है जो जिनको हो जाती है उनके पास लोग नहीं जाना पसंद करते तो क्या जो एंड कैंपेन है एक ही अध्यक्ष दिवस का वो क्या इसमें भी हेल्प कर रहा है लोगों को और बिल्कुल ठीक बात है आ, अगर आप देखेंगे तो वर्ल्ड टीवी डे जो भी 24 मार्च को मनाया जाता है साल 24 मार्च को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि टीबी के बैक्टीरिया की जो खोज हुई थी वो 24 मार्च अठारह को जर्मनी के एक डॉक्टर रॉबर्ट कॉक ने की तो उसी ऐतिहासिक जो माइल है हमारे टीवी के बारे में उसको वो देने के लिए मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा 24 मार्च को हर 24 मार्च को वर्ल्ड टीबी डे तो वर्ल्ड टीबी डे 2017 को मैंने एक एडिटोरियल पेज पे एक दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाले अखबार में एक एडिटोरियल लिखा उसका नाम था टीबी एक सामाजिक समस्या तो मैं आपके लिए दे दूंगा तो ये बहुत पुरानी चीज है

कि लोग डिवोर्स दे देते हैं है तलाक है। दे देते हैं मायके छोड़ आते हैं तो ये भी एक डिस्क्रिमिनेशन है सोशल बात सही है हालांकि चेतना बड़ी है और खासतौर पर आपका जैसा कार्यक्रम जाएगा तो और अवेयरनेस बढ़ेगी लोगों के बीच में लेकिन अभी बहुत लोगों को अवेयर करने की जरूरत है अभी भी सोशल डिस्क्रिमिनेशन हमारे टीबी के पेशेंट के साथ खासतौर पर बच्चों और महिलाओं के साथ अभी भी बहुत बड़े पैमाने पर हो रहा है और इसीलिए भारत सरकार ने ये योजना चलाई है कि आप टीबी के रोगी के मित्र बनिए यानी निक्षे मित्र निक्षे मित्र में क्या होता है एक निक्षे पोर्टल पर आपको टीबी निक्षे मित्र बना दिया जाता है और आपसे ये उम्मीद की जाती है कि महीने में एक बार उस मरीज और मरीज के परिवार से आप मिलेंगे उसको एक पोषण पोटली देंगे पोषण पोटली यानी न्यूट्रिशनल बैग तो उसमें कुछ फल रख देंगे उसमें कुछ दाल है चना है मटर है गुड़ है दलिया है इस खिचड़ी है इस तरह की चीजें रख देंगे और बच्चा है, अगर टीवी का, hmm. की कुछ है तो पांच सात सौ रुपए का खर्चा होता है, है. तो उम्मीद की जाती है कि आप उसको इमोशनल उस सपोर्ट देंगे उसको न्यूट्रिशनल सपोर्ट देंगे सोशल सपोर्ट देंगे और जिसके कारण ये जो सोशलगा की प्रॉब्लम है ये काफी कुछ एड्रेस की जाए एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है अभी वर्ल्ड टीवी डे इस साल का वर्ल्ड टीवी करके प्रधानमंत्री जी ने मनाया वो भी अपने संसदीय चिन्ह वाराणसी में सौभाग्य से मैं इस कार्यक्रम में भी मौजूद था आप कहिए आप हर जगह टपक जाते हैं <laughs> तो कृपा है कि मुझे इस कार्यक्रम में यू आर सो रिस्पेक्टेड नाउ जो मौका मिला मुझे और इस कार्यक्रम के बाद मैं बहुत सारी योजनाएं शुरू की मोदी जी ने इस कार्यक्रम का ये इंटरनेशनल इवेंट थी वर्ल्ड टीवी डे ट्वेंटी मार्च ट्वेंटी वाराणसी में संपन्न हुआ था का फेमस रुद्राक्ष सेंटर है उसी में हुआ okay. ओ, सेंटर भी बड़ी इंटरनेशनल चीज है mm -hmm. तो उसमें ग्यारह ऐसे देशों के प्रतिनिधि आए हुए थे जिनके यहाँ टीवी ज्यादा होती है okay. और स्टॉप टीवी पार्टनरशिप की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर भी आई हुई थी और उनको जब बताया गया इस निश्चय मित्र योजना के बारे में mm -hmm. तो ग्लोबल लीडर बनिए टीबी के, okay. uh, और, तो के. Yeah. और उसके साथ साथ कहा कि मैं आपकी इस स्कीम से इतनी खुश हूं कि देर इन देयर शी अनाउंसड की आई एम एक्सेप्टिंग फाइव टीबी पेशेंट एज निक्षेमित वो भी रोमानिया से है उनकी कंट्री नहीं, नहीं है थी थी। शी बिलोंग टू रोमानिया और उन्होंने कहा कि मैं पांच टीवी के मरीजों के लिए निक्षा मत बनने की घोषणा करती हूँ मुझे अभी रजिस्टर कर लिया जाए और नहीं। नहीं। <laughs> मैं आ नहीं सकती लेकिन महीने में एक दिन एक देने बुलाने का जो उनका खर्चा आएगा आई आए विल तो आप सोचिए कि हमारी स्कीम जो आनंदी बेन पटेल का कॉन्सेप्ट था हमारी माननीय गवर्नर का वो नेशनल प्रोग्राम बना मोदी जी का प्रोग्राम बना

पिछले पांच सालों में काफी चैलेंजेस जो हैं वो हम लोगों ने एड्रेस कर लिए हैं okay. और इसका श्रेय जाता है हमारे भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को जी। कि जैसे पहला चैलेंज हमारे सामने सबसे बड़ा जो डॉक्टर्स के लिए चैलेंज था कि हम टीबी का इलाज शुरू करते थे जी फ्री दवा देते थे जी उसके डेढ़ दो महीने बाद मरीज का बुखार ठीक हो गया भूख लगने लगी खांसी खत्म हो गई सोचता था डॉक्टर सूर्य कांत क्या है ये तो बुलाते ही रहते वो दवा बंद कर देते बीच में छोड़ देते उसका रीप्रदर्शन क्या होता था

मतलब उसमें दवाएं बहुत गर्म होती हैं उसके साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा होते हैं। okay. अब ये पब्लिक तो समझती नहीं थी अब क्या हुआ? मोदी जी तो मोदी जी उन्होंने कहा टीबी तुम्हारे खाते में पांच सौ न्यूट्रिशन सपोर्ट के रूप तो जांच फ्री इलाज फ्री और साथ में पांच सौ रुपया महीना अब इसका इम्पेक्ट क्या हुआ वो आता है डॉक्टर सूर्य था सब वही दवा दीजिए जिससे पांच सौ रुपया महीना मिलता है और दूसरा उस पेशेंट को मालूम है दवा रोकी तो रुपया बंद तो अब वो जो प्रॉब्लम थी ना जी। जो नॉन कंप्लायंस की प्रॉब्लम थी लैक ऑफ की प्रॉब्लम थी वो काफी कुछ एड्रेस होने सौ में पंद्रह बीस मरीज बीच में इलाज छोड़ रहे अब कहते हैं नहीं डॉक्टर साहब हम इलाज नहीं छोड़ेंगे ये तो हमें बाद में कि वो क्यों नहीं छोड़ेंगे <laughs> मॉनिटरी तो ये ये तो ने भी नहीं सोचा होगा कि इसका आउटकम ये भी निकलना फायदा है की पांच सौ रुपया महीना आप पोषण भत्ता दे रहे हैं और अब मरीज कह रहा है हमको वही दवा चाहिए जिसमें पाँच सौ रुपया महीना और छोड़ता नहीं उसे मालूम है दवा डॉक्टर साहब जरूरी हो तो दो महीने और बढ़ा दीजिए उससे मालूम है की अगर दो महीने बढ़ गए तो मेरा हजार रुपए का और फायदा होने वाला है खैर ये तो मेरे लाइटर मोड में कहा लेकिन हाँ ये जरूर हुआ है इसका बाइक प्रोडक्ट कि हमारा कम्पला एक चैलेंज डॉक्टर है

कि मरीज को लंग कैंसर लंग कैंसर की बीमारी है वो टीबी का इलाज दे रहा है एक्सरे uh -oh. का इलाज दिया uh -oh. तो yeah. okay. अब हमारे डॉक्टरों की मैं कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ या उनकी कोई गलती नहीं कर रहा उनको प्रोग्राम ने ये प्रोग्राम उस समय भी चल रहा था लेकिन प्रोग्राम उन तक उतना पढ़ी पहुंचता था जितना आप

तो मैंने एक मीडिया में भी और हर फोरम पे भी एक डायलॉग क्योंकि तो मैसेज से काफी चीजें अच्छी होती बिल्कुल सर तो मेरा एक डायलॉग था आज भी अभी मैं बिहार में बोल के आया हूँ छाम तो दिया था अखबार में कि जैसे हर चमकती चीज सोना नहीं होती एक्सरे का हर धब्बा टीवी ने तो जब ये डायलॉग मेरा छब्बीस सत्ताईस साल पुराना हो गया है मेरे एक स्टूडेंट ने तो बकायदा एक पब्लिकेशन में लिख दिया है

अमिताभ बच्चन को हमारी सरकार ने 2015 में ब्रांड एम्बेसडर बना दिया टीवी का जी. तो उन्होंने भी अपनी भारी आवाज में कहा किसी को दो हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो दो बलगम की जांच कर तो और ज्यादा पब्लिक को डील किया उनके विज्ञापन आने लगे जी. दो हफ्ते से ज्यादा खांसी है तो दो बलगम की जांच करो तो ये इतना पॉपुलर हो गया कि दो हफ्ते से ज्यादा किसी को खांसी है टीबी हो सकती है दो बलगम की याद करो तो

अब इसके साथ साथ ये हर जगह मौजूद है अब ये तीसरा चैलेंज था फ्रंट वाला अब एक चैलेंज और था वो ये था कि लोग बीमारी छुपाते थे बहुत सरलिस्टिक लाहन जी अब अब जो है वो जब पांच सौ रुपए महीने का वाला चक्कर हो गया है तो अब उन्होंने छुपाना छुपानापाना बंद किया क्या छुपा के पांच सौ रुपए मेने का नुकसान और हो रहा है, है। दूसरा यह था कि हमारे जेंडर वाइज लोगों ने एक शोध भी प्रस्तुत किया यूरोपियन रेस्पिटिव सोसाइटी में कि महिलाओं हमारे घर में कोई बीमार हो जाए तो सबसे पहले हमारी प्रायरिटी ट्रीटमेंट किसकी है बच्चे की फिर किसकी है जो अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली है युवा फिर किसकी है बुजुर्ग की महिलाएं महिला बात और महिलाओं को टीबी इसलिए ज्यादा होती थी खासतौर तो पर गांव की महिलाओं को क्योंकि वो चूल्हे लकड़ी के चूल्हे पे खाना बनाती थी धुएं से उनके फेफड़े कम लो तो बीड़ी सिगरेट पीने वालों को और धुआं किसी तरह को उनको टीबी ज्यादा होती थी।, थी लेकिन वो खासती रहती थी बेचारा कोई अस्पताल में ही नहीं ले जाता पड़ता था एक जमाना था जब सोचिए आधे मरीज जिनको टीबी थी वो अपने सिम्टम होते हुए भी अस्पताल जा ही नहीं पाते ये स्थिति इस स्थिति में भी बदलाव बहुत

अभी भी हमारे पास चैलेंज है कि हमारे देश में कुपोषण की समस्या है मेल्यूटेशन की मैल्यूटेशन में टीबी होने का खतरा दस गुना जाता हूँ okay. अभी भी एच बहुत बड़ा तो नहीं लेकिन छोटी मोटी समस्या एच आई की एच आई में टीबी होने का खतरा पचास वो लड़कियां चूंकि आप एंकर आज लेडी है तो मैं मदना जी आपको जेंडर वाइज के एग्जाम्पल जरूर दूंगा वो लड़कियां जिनकी शादी जल्दी हो जाती है ज्यादा बच्चे कर, पैदा करती हैं कम अंतराल से बच्चे पैदा करती हैं उनको भी टीबी होने का खतरा ज्यादा तो, अब ये लड़कियों को मालूम ही नहीं है हमारे तो, तो कई भारत में राज्य थे जहाँ पर बाल विवाह हुआ करते थे अब लेकिन वो कम होता है, है तो ये धीरे दूसरा लड़कियां डाइटिंग बहुत करती हैं जीरो फिगर के चक्कर में हर कोई जो है वो करीना कपूर और वो सब बनना चाहती है करीना कपूर और करीना क्या तो ये भी एक समस्या है हम आम लोग हमारी हमारे यहाँ तो दो तीन डाइटिशियन है हम लोग कहते हैं भाई किसी को भी ये मत कहना कि डाइटिंग करो डाइट मॉडिफिकेशन किया जाता है डाइटिंग डाइटिंग नहीं की जाती okay. करने से भी आपको टीवी होने का खतरा बढ़ जाता है मेरा okay. आ, मीडिया ने कई बार छापा है अभी लेटेस्ट दो में भी एक अखबार ने इंटरव्यू लिया okay. मत करिए डाइटिंग नहीं तो टीबी होने का खतरा जाता एक बार दे साल पहले एक चैनल ने और मीडिया ने लिखा था जीरो फिगर के चक्कर में हो रही है टीवी

इसके साथ साथ एक काम और किया गया। वो क्या किया गया कि प्राइवेट सेक्टर को कुछ इंसेंटिव स्कीम लाई जिससे को, का क्या है? भाई हम लोग तो सरकारी प्राइवेट डॉक्टर की तो फीस होती है पर ये उसे लगता है तो मेरा तो नुकसान हो, हो गया तो सरकार ने कहा इस चीज को सर्जा भरा संवेदनशीलता के साथ और उनको कहा कि भाई अगर एक मरीज आप नोटिफिकेशन करते हैं तो अगर वो ठीक हो जाता है डिक्लेर हो जाता है, तो इसके एवज में हम एक हजार आपको, देखुण। देखुण। आपको नहीं हमारे देश में आशा बहुए हैं आशा पैर करता में मौजूद है कुछ और एनजीओ है स्वयंसेवी संस्थाएं हैं वो समाज में हर बीमारी के लिए काम करते रहते हैं तो उनको भी कहा कि आप लाओ

फिर ये मरीज दवा ले रहा है कि नहीं ले रहा है इसके लिए फैमिली को या आशा वर्कर्स को या आपकी क्लिनिक पे कोई कंपाउंडर वो सब मेंटेन करे रिकॉर्ड कितने मरीज आए कितने गए पोर्टल पे नोटिफिकेशन है तो उस कंपाउंडर को भी जो है वो इंसेंटिव दिया जाता है वो इंसेंटिव दिया जाता है पांच सौ रुपया एक हजार रुपया सेंसिटिव टीवी के लिए और एक हजार रुपया लिए और पांच हजार रुपया ड्रग रेजिस्टर तो ये बहुत सारी चालू की गई हैं जस्ट टू एक्सपेंड दोग्राम इन टू दी पब्लिक सेक्टर नहीं अब तो ये कहानी और आगे तक बढ़ चुकी है जैसे जैसे 9 सितंबर 2022 को भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने एक प्रोग्राम शुरू किया प्रधानमंत्री टीवी मुक्त भारत अभियान तो ये अभियान है ये अब ये मूवमेंट बन चुका है अब ये प्रोग्राम तक सीमित नहीं रहा दिस हैज बिकम नाउ मूवमेंट

फ्रॉम प्रधान टू प्रधानमंत्री एवरीबॉडी हैज़ टू बी इनवॉल्व तो ये डायलॉग मेरा पास 5 साल से चल रहा है प्रधान से प्रधानमंत्री तो अब ये प्रोग्राम एक आंदोलन बन चुका है और प्रधान से प्रधानमंत्री सब कोई इनवॉल्व है और अब वो जो मैंने जुमला बोला था वो वाकई में 24 मार्च 2023 को आते-आते वो सफल हो गया सही हो गया वो कैसे प्रधानमंत्री जी ने वर्ल्ड टीवी डे पर अनाउंस कर दिया कि अब हमें कांसेप्ट देना है टीवी फ्री

तीसरा है awareness. जैसे मैंने कहा ना कि 2017 में मैंने, मैंने एक एक पे लिखा एक सामाजिक एक समस्या है 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 तो तो से अब awareness कर रहे हैं ट्रेनिंग या पैरामेडिकल की ट्रेनिंग तो ट्रेनिंग कौन देगा एक्सपर्ट ही देगा जी. तो हम लोग ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जी. और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है operational research. ये research हम लोग करते हैं कि के बहुआयामी जो आस्पेक्ट है उनकी रिसर्च चल रही है आपको जान के उत्तर प्रदेश में 2015 से लेकर अब तक मेडिकल कॉलेज ने 50 पब्लिकेशन दिए 50 रिसर्च पब्लिकेशन जी सोचिए आप फिफ्टी रिसर्च एक बीमारी पर 50 शोध पत्र वो भी उत्तर प्रदेश जैसे राज्य से और मैं आपको बताऊं कि 2013 में मैं उत्तर प्रदेश की स्टेट टास्क फोर्स का चेयरमैन बना जी। उस समय स्थिति ये थी आपको याद हो तो ग्यारह बारह में नेशनल हेल्थ मिशन का घोटाला हो चुका था पिछले दो साल से टीवी की सब एक्टिविटी ठप थी मेडिकल कॉलेज में भी ठप थी तो 2013 में अचानक जो हमारे नेशनल टेस्ट फोर्स के चेयरमैन थे जी उन्होंने कहा डॉक्टर सूर्यकांत सूर्य उत्तर प्रदेश में आप काम देखे दो साल से सब एक्टिविटी ठप पड़ी थी तो मैंने कहा सर मई मिला बली का बनाते तो बोले मैनी सब ठप दो साल से मन चला दस से दो अब जून दो हो चुकी थी कोई काम नहीं चला मेडिकल कॉलेज तो छोड़िए वैसे भी ठप तो अब सोचिए वो चुनौती हमने स्वीकार की और आपको बताते हुए हर्ष हो रहा है कि उस समय जो नॉर्थ जोन अभी चंडीगढ़ हिमाचल राजस्थान उत्तराखंड नाइन स्टेट्स आते हैं जोन में उत्तर प्रदेश सबसे टीवी के परफॉर्मेंस इंडिकेटर में सबसे नीचे था दो हजार तेरह में आपको मालूम है 2015 में क्या हुआ नागपुर में नेशनल मीटिंग हुई, उत्तर प्रदेश बेस्ट अवार्ड इन द डेढ़ साल के अंदर हो गया। जो 2013 जब मैंने चार्ज दिया, में सबसे था टीबी परफॉर्मेंस इंडिकेटर्स में वो 2015 में सबसे ऊपर चुनौती के रूप में स्वीकार किया और सभी मेडिकल कॉलेज में विजिट किया सभी जगह किया हर तरह से अपने स्टेट टीबी ऑफिसर और उत्तर प्रदेश की सरकार से कोऑर्डिनेट किया और मुझे ऐसा लगता है कि सबका मुझे सहयोग मिला मैं सबको धन्यवाद देता हूँ हर मेडिकल कॉलेज का हर हमारे डिस्ट्रिक्ट टीबी ऑफिसर का टीबी के डब्ल्यू एच ओ जो कंसल्टेंट है उनका स्टेट टीबी ऑफिसर का सबका मुझे सही और उसके कारण उत्तर प्रदेश को हम स्थिति महाबत ले पाए मेडिकल कॉलेज के जो रोल हैं बहुत अच्छे हैं और अभी भी देखिए हम लोग उत्तर प्रदेश में 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 गवर्नमेंट के के और एक, एक, एक जो है वो प्राइवेट <laughs> आपको जान के होगा कि देश में बहुत कम ऐसे प्रदेश है 100 <laughs> प्रदेश हैं जिसमें मेडिकल कॉलेज का हमारा ऐसा प्रदेश है जिसमें हंड्रेड परसेंट मेडिकल किसी जी का जी सामने जी

तेरह मार्च 2018 को प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की टीबी right. yeah. का right. 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 so, तो मैं आपको बता दूं कि प्रधानमंत्री जी मेरे ख्याल से दुनिया के ऐसे पहले प्रधानमंत्री है जिन्होंने एक बीमारी को लेके इतना कंसर्न शो किया है वाकई में कमाल की चीज है Absolutely. और तो ये बात तो ठीक है कि 2018 से बहुत सी स्कीम चालू हुई निक्षक पोषण योजना चालू हुई टीबी का मॉडिफाइड नोटिफिकेशन हुआ प्रोग्राम का एक्सपेंशन हुआ आप सोचिए कि प्रधानमंत्री जी ने वो किया है कि जो नई दवाएं आई हैं दो बिडाकुलीन और डेलामेरेट इनकी कीमत आपको मालूम है छह महीने के इलाज की कीमत लाखों में है oh और ये भारत अकेला पूरा दुनिया का देश है कि हमारे सब मरीजों को ये दवा फ्री में मिलती ड्रग रेसिस टीबी के मरीजों को फ्री मिलती है लोग ताजुब करते हैं जब वो नेट पर पे सर्च करते हैं आजकल कर तो सब सर्च कर लेते हैं, हैं कौन तो हाँ, तो सा दे रहा हूँ भारत सरकार फ्री नहीं दे रही है प्रधानमंत्री द्वारा और भारत सरकार के द्वारा हमारे उत्तर प्रदेश की सरकार भी तत्पर है तो इसका परिणाम ये हुआ कि जो एक तो जो हमने कहा ना हम हम लोग सब लोग हंसते थे कि दस लाख लोग इंडिया में तो टीवी के ना पता है जी, 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 तो वो आंकडा धीरे धीरे वो उसकी जो गैप खत्म हो रहा है जी. और दूसरी चीज ये है कि कोई दवा बीच में नहीं छोड़ता है तीसरी चीज ये है कि टीवी के बारे में जो सोशल स्टिग्मा था वो निक्षा मित्र बनने से वो खत्म हो रहा है राइट और

आप ऐसे ऐसे विश्वास करेंगे डॉक्टर सूर्यकांत के पास ऐसी ऐसी संस्थाओं का फोन आता है कि डॉक्टर सूर्यकांत बस आप हमें बताइए हम आपके प्रोग्राम के लिए और क्या कर सकते हैं so तो इतना हमें सहयोग मिल रहा है अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं से लोकल एनजीओ से बहुत सारी संस्थाओं पर सहयोग हमारे पास ग्राम प्रधानों के फोन आने लगे हैं कि डॉक्टर साहब हमारी भी ग्राम पंचायत ले लीजिए और इसको टीवी मुख्य दीजिए अब हाँ। हाँ यहाँ पर एक चीज बता दू जब मैंने कहा कि ये ग्रा, ग्रा, फ्री ग्राम का आया, 24 मार्च 2023 को दो एक दो महीने पहले हुई है जी। लेकिन हमने यानी डिपार्टमेंट ऑफ रेस्पेक्टी के जेमू ने मालूम पहला ग्राम गाँव कब रूद लिया छह फरवरी दो को इतना पहले जी चार साल पे साढ़े साल

So हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर ने मेरे मन में दिमाग में ये आइडियाज़ प्रदेश का पहला गाँव है आप दिल थाम के रखिए आप भी दिल थाम के रखिए दर्शकों तो कोविड के दौरान पूरी दुनिया में 40 परसेंट टीबी का इलाज प्रभावित हुआ था 40 परसेंट रिडक्शन हुआ अस्त व्यस्त हो गई हम भी अछूते नहीं थे हमारे यहां भी हुआ लेकिन हमने रिकवरी किस स्पीड से की है वो मैं बताता हूं अब आपको मैं शेयर कर रहा हूं ग्लोबल टीबी रिपोर्ट 2023 okay. पहली बार विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भारत की तारीफ करते हुए लिखा है दे एप्रिशिएटेड टीबी नेशनल टीबी एलिमिनेशन प्रोग्राम ऑफ इंडिया कि नए टीबी के मरीजों में रिडक्शन हुआ है 16 परसेंट और मृत्यु दर कम हुई है 18 परसेंट दुनिया के किसी देश में नहीं Yes. प्रधानमंत्री जी की, की, हाँ। की और ये हमारे कार्यकर्ता है हमारे जो डिस्ट्रिक्ट टीबी सबने काम किया है बहुत ही शिद्दत से आप सोचिए ये सिर्फ बाईस और तेईस मतलब डेढ़ साल का डेढ़ साल का और तेईस की रिपोर्ट जो आई वो बाईस की आई है एक साल के अंदर हमने वो कर दिखाया कि हम फोर्टी परसेंट रिकवरी कर ले गए और हमें जो है डब्ल्यूएचओ का एप्रिसिएशन मिल गया उत्तर प्रदेश कैसे पीछे रह गया तो दूसरी सरप्राइज भी बता देता हूं अब आप उत्तर प्रदेश लिए जी। जी। के लिए ताली बजा दीजिए हमारी लीडरशिप के लिए मुख्यमंत्री जी के लिए और बाकी लीडरशिप जी।, जी उत्तर प्रदेश को जो टारगेट दिया गया था वो टारगेट हम कभी 80% 85% 88% पहुंच जाते तो बड़े खुश होते थे कि भाई टारगेट जो है हमने 90% तक पहुंच गए आपको मालूम है जो 2023 का हमारा टारगेट था वो पिछले महीने oh oh एक चीज और मैं बताना भूल गया okay. कि 2018 में एक चीज और हुई एक्टिव केस फाइंडिंग okay. मतलब ये जो हम आता ना मरीज को तकलीफ है मेरे पास आए तो ये पैसिव केस फाइंडिंग हमने okay. एक्टिविटी कुछ नहीं किया अभी ये है कि भाई समरिया में टीवी ज्यादा होती है मेंटल एसलम में ज्यादा होती है कुकोषण के लोगों को ज्यादा होती है डायबिटीज वाले लोगों को ज्यादा होती है स्मोकर्स को ज्यादा होती है चाय वालों को ज्यादा होती है वो लड़िया जो मैंने बताया ना जल्दी गर्भवती हो जाती हैं जल्दी शादी को ज्यादा होती हैं एनीमिया है जिनको डाइटिंग कर रही हैं और एक टीम जो है वो बीच बीच में एक स्पेशल एक्टिव केस फाइंडिंग शुरुआत कर आती है और 2018 से ही मोबाइल बहन दी गई उसमें एक्सरे भी होता है बलगम की जांच होती है और डोर टू डोर सम एरिया कैंपेन करते हैं जहाँ पे टीवी मरीज ज्यादा होने की संभावना है तो उसका भी एक्टिव केस फाइंडिंग का फर्क पड़ा न्यूट्रिशन mm सपोर्ट -hmm. जो हमने दिया उसका फर्क पड़ा बीच में इलाज नहीं छोड़ते हैं mm -hmm. तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं और हमारी सरकारों ने सबने अच्छा काम किया डॉक्टर्स ने अच्छा काम किया हमारे हेल्थ केयर वर्कर टीवी के जितने स्वास्थ्य कार्यकर्ता उन सब ने अच्छा काम किया मीडिया का भी बहुत सहयोग है उन्होंने हमारी खबरें बहुत छापी चैनल पर चलाया तो अवेयरनेस भी बहुत बढ़ी तो इन सब का ये असर हुआ कि भारत सरकार को अप्रिशिएशन मिला डब्ल्यू से और उत्तर प्रदेश को अप्रिशिएशन मिला भारत सरकार से कि आपको जो टारगेट दिया गया था टीबी डायग्नोसिस ट्रीटमेंट का वो आपने डेढ़ दो महीने ही पहले पूरा कर दिया अब हम सर ऊपर जा रहे हैं सर जा रहे हैं सर इसके साथ इस पॉडकास्ट uh, को हम समाप्त करते हैं सर लाइक टू थैंक डॉक्टर सूर्यकांत इट वॉज अ प्रिवलेज टू हैव यू सर विद बहुत सौभाग्य था हम कि आप हम लोग के साथ थे एंड आपने इतनी सारी जानकारी दी हम लोगों को इसके बारे में कि टीबी के बारे में क्या क्या काम किए गए और कैसे उसको एलिमिनेट करने के लिए स्टेप्स ले रही है हमारी गवर्नमेंट और मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि आप लोग कभी भी टी टीबी के कि किसी भी मरीज़ के साथ कोई भेदभाव ना करें इट इज़ नॉट अ सोशल स्टिग्मा आपको भी अगर किसी को भी है तो आपको बिल्कुल भी आ, फील करने की ज़रूरत नहीं है कि ऐसा कोई भी प्रॉब्लम वाला चीज़ है नो no. एंड देन अगर आपके आसपास कोई भी ऐसा मरीज है जिसको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी आ रही है तो सारे इलाज फ्री हैं सारे टेस्ट फ्री हैं सो प्लीज टेक द पर्सन टू हॉस्पिटल और नियर हॉस्पिटल वहाँ लेकर जाए उसको और उसकी सारी जाँच करवाएं एंड आई जस्ट होप जिस तरह से डेवलपमेंट्स हो रहे हैं जिस तरह से डब्ल्यू एच ओ का भी अप्रिसिएशन आया है आगे भी हम लोग इसी तरह से डिवेलपमेंट करते रहेंगे थैंक यू सो मच